Gotcha. सबका आप ही तो इतनी देर से बोल रहे हो सत्या सत्या। हम लोग बोल रहे हैं, जब से तू घर पे आई है सत्या के नाम की माला जप रही है। सत्या ने घाघरा दिलाया, सत्या की वजह से घाघरा पहना, पता नहीं क्या क्या। ये टॉली हो जाती क्या टॉली लगी तो? मैंने ये सब कब कहा? परीक्षा हमारे सफेदी के चमकार मतलब बापू के पैरों की सिकाई सफेद दूध से कराएगी हमारी। ये सीन जो है काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सुशील इसमें पहली बार कुछ लड़कियों जैसे पहनावे में दिखेगी, तो इवन हम लोग सरप्राइज हैं कि ये ऐसा कैसे बदलाव आ गया। तो वही हम लोग उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया वो हो क्या रहा है, मामला क्या है। तो काफी सुशील ने भी काफी अच्छी ड्रेस में साड़ी पहनी है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? और आपका भी इंटरेस्टिंग शॉट रहा कुछ और कुछ? मेरा इंटरेस्टिंग ये है कि मैं बेसिकली सुशील से निकलवाना चाह रहा हूँ कि ये घाघरा चोली वाला मामला क्या है, कहाँ से आया और अभी तक उतारा क्यों नहीं है भैया। मतलब किसने ऐसा इतना इम्पोर्टेंट घाघरा चोली किसने दे दिया जो आपने अभी तक उतारा नहीं? क्या प्यार हो जाता है? यार प्यार होता है नहीं होता है वो तो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ आपको, बट कुछ तो बदल रहा है, आई डोंट नो व्हाट। हाँ फाइनली थोड़ी सी लड़कियों जैसी हरकतें करी सुशील ने, उसको सत्या ने प्यारा सा लहंगा दिया है तो उसने पहना वो डांडिया नाइट्स के लिए जो कि उन्होंने साथ में ऑर्गेनाइज करी है, और दोनों साथ में नाचते भी हैं। और अभी फ़िलहाल सुशील बिना चेंज करे घर पहुंच जाती है और घर में सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हैं, एक्साइटेड नहीं शॉक्ड हैं कि ओ माय गॉड ये सुशील को क्या हो गया, सुशील लड़कियों के कपड़े में, लड़कियों के कपड़े में। सो सब कहते हैं और सुशील भी पूछते हैं अरे आप लोगों को हो क्या गया, मैं क्या जोकर लग रही हूँ? सो दैट्स द सीन ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द कैमरामैन एंड ऑल द रिपोर्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।